जैसे जैसे आपका डिजिटल बोर्ड पुराना होते जाता है वैसे वैसे वो डल होता जाता है, बट आप जब भी मेरा स्टूडियो में या फिर मेरे घर में या फिर जहां भी हमारे खुद के डिजिटल बोर्ड होते हैं वो ऐसे चमकते क्यों दिखते हैं? उसका एकमात्र रीजन क्या है? उसका मात्र एक रीजन है कि हम उसकी सफाई क्लीनिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो अगर आप एक डिजिटल बोर्ड ले चुके हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं या आपके स्टूडियो में 10 से ज्यादा डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं तो ये बिलीव करिएगा कि आपको उसकी क्लीनिंग पे आपके क्लीनर को थोड़ा सा ध्यान दिलवाना है। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपका डिजिटल बोर्ड, इस डिजिटल बोर्ड की लाइफ आप देख रहे हो 10 साल से ज्यादा होती है। मतलब 10 साल तक आप इस डिजिटल बोर्ड को 8-8 घंटे 9-9 घंटे भी यूज करोगे तब भी खराब नहीं होंगे ना स्लो होंगे। उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इस डिजिटल बोर्ड को बाहर से क्लीन करने की बातें करें उससे पहले अंदर आपको क्लीनिंग रखनी है। मतलब आपको अनवांटेड अननेसेसरली कोई भी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करनी ही नहीं है। किसी भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड हो, अच्छे से अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का डिजिटल बोर्ड हो, आपको ये सब नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। लाइक क्या, जैसे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो टीचर सोचता है, क्रिएटर सोचता है कि मैं डाल लेता हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि एप्लीकेशन आपका सिर्फ स्पेस नहीं लेती, इसके बाद में वो बैकएंड पे उसकी प्रोसेस भी खाती रहती है और इसी कारण से टाइम के साथ साथ जब वो एप्लीकेशन में स्टोरेज, कुकीज और ये आती रहती है तो आपका अच्छे से अच्छा पैनल हो जाता है बिल्कुल स्लो। देखो मैं कई सालों से आईफोन यूज कर रहा हूँ पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मुझे अच्छे से अच्छा आईफोन दे दो, लेटेस्ट से लेटेस्ट आईफोन दे दो, मैं उसको 10 दिन के अंदर स्लो करके दिखा सकता हूँ, हैंग होने लगेगा। क्यों होता है? क्योंकि हम इतनी इमेजेस डाल दो, इतने फोटोज डाल दो, इतनी पीडीएफ डाल दो, इतनी सारी एप्लीकेशन डाल दो, बैकएंड पे इतनी सारी एप्लीकेशन चला लो, वैसे ही आपका पैनल हो जाएगा स्लो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं और बहुत सारी पीडीएफ, पीपीटी बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपको नहीं करना है। सबसे पहले क्लीनिंग आपको इंटरनल रखनी है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे मैं कभी भी अपनी जो वॉच होती है या कुछ भी चीजें होती है लेफ्ट हैंड में नहीं पहनता हूं, मैं राइट हैंड में पहन रहा हूं। इसका एकमात्र रीजन है जो टीचर्स कड़े या कुछ हाथ में जो भी बैंगल्स आते हैं, चूड़ियां आती है, वो अगर आप पहन रहे हो और पहन के इस डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हो, देखो ये तो एक सरफेस है, कांच की सरफेस है यही मान लो, और उसमें धीरे 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 स्क्रैच लगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब भी कोई हम लिखते हैं तो ऐसे टकराता है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं भी कभी भी, अभी तो नॉर्मल मैं वाली वॉच पहना हूँ जो रबर बैंड वाली है, बट कभी मैं मेटल वाली वॉच पहनता हूँ तो भी इस बात का ध्यान रखना, मैंने अक्सर डिजिटल बोर्ड पे स्क्रैच लगते हुए देखा है, ये एक चीज का ध्यान रखना है। अब चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअल में क्लीनिंग कैसे करनी है। देखो डिजिटल बोर्ड की क्लीनिंग बहुत सिंपल तरीके से होती है, आपको सबसे पहले ऐसा एक क्लॉथ लेना है, नहीं ये डर्टी क्लॉथ है, इतना गंदा क्लॉथ आपको लेना ही नहीं है। आप अगर इससे डिजिटल बोर्ड को साफ करेंगे तो उस समय तो साफ हो जाएगा पर फिर भी उसमें जो प्रॉपर जो डस्ट पार्टिकल जो उसके लगे होते हैं ना उससे स्क्रैच लग जाएगा। तो इस टाइप का क्लॉथ आता है, फाइबर क्लॉथ होते हैं, इस टाइप के आप क्लॉथ लेंगे, सबसे पहले इसको आप ऊपर हैंड से हल्का हल्का ऐसे करके डस्ट रिमूव करेंगे। आप ऐसे करके अगर डस्ट रिमूव करेंगे ना तो डस्ट ऐसे इजीली रिमूव होगी, जैसे हम कई बार ऐसे ऐसे करके मार के भी करते हैं ना, उस टाइप से डस्ट रिमूव करेंगे और उसके बाद में आपको लगता है क्लीनिंग करना है तो कूलिन ले लो या ऐसा कुछ भी ले लो, उसको डायरेक्टली ऐसे डिजिटल बोर्ड पे नहीं मारना, क्योंकि देखो ऐसे पानी आएगा धीरे 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 जो जा रहा है ना, कई बार इसकी एजेस में गैप होती है, यहाँ पे देखो ये गैप होती है और ऐसी ये बूंदे जाते जाते इस गैप में भरा जाती है और इससे डिजिटल बोर्ड खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और उसके बाद में आप देखोगे जब आप इतना लिक्विड इस पर डालते हो ना तो ये इस टाइप के ऐसे वो रैशेस बनाता है। तो कोशिश ये करिएगा कभी आपको पहले तो कोलिन यूज करना नहीं, कोई भी ऐसा केमिकल बहुत स्क्रीन क्लीनिंग केमिकल की कोलिन आपको यूज करना नहीं है, पर कभी वॉश केस में यूज करना पड़े तो कर लीजिएगा। फिर भी मैं स्क्रीन क्लीनिंग की लिंक आपको अमेजोन वाली में डाल के दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से इस पर स्प्रे करना है हल्का सा और हल्के हल्के हाथों से स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लीन करना है सारी जगह से प्रॉपरली और बहुत एकदम हार्श नहीं, क्योंकि देखो ये कांच जो होते हैं ना, ये कांच को इस तरीके से भी और टिश्यू पेपर से भी साफ नहीं करना, मैंने टिश्यू पेपर से भी साफ करके देखा है तो भी दिक्कत आती है। आप देखो ये इस तरीके से पूरी क्लीनिंग होगी एंड इसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत खर्च करें आप तो इस टाइप के जो पोर्ट्स होते हैं, हमने अक्सर हमारे एक्सपीरियंस में पोर्ट्स को भी खराब होते हुए देखा है, तो जैसे ये पोर्ट्स है ना, इस पोर्ट्स को आप पेन ड्राइव में यूज करते हैं, कई बार धूल होती है तो आप इस टाइप से ये जो आता है इससे हवा देकर ऐसे क्लीन कर सकते हो,
एंड इसके बाद में आप ऐसे कुछ ब्रश नॉर्मल जो कंप्यूटर क्लीनिंग आती है उससे पूरा ऐसे ब्रश करके, ये मैंने स्पेशली किट लेके रखी हुई है फॉर माय डिजिटल बोर्ड क्लीनिंग, और आप ऐसे करके इस टाइप के ब्रश से इसको प्रॉपर क्लीन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ये जो एजेस है, इन एजेस को भी आप कपड़ों से ना करिए, तो आप बिल्कुल एक बार में इससे ऐसे साफ कर लिया करें। एंड इसके बाद में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसकी बॉर्डर्स होती है हम उसे कभी क्लीन नहीं करते, तो उसकी बॉर्डर्स को भी क्लीन करिए। जब आप ऐसे व्हाइट वाला पैनल लेते हैं तो आप इसका ध्यान रखिए कि इस बॉर्डर को क्लीन करिए पूरी तरीके से। तो इस टाइप की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, बहुत इंपैक्टफुल होता है। कई बार टीचर्स इसका पाम यूज़ करते हैं, अब वो सर के हाथ कैसे होंगे, किसी को स्वेटिंग होती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम डाउन द लाइन आप देखेंगे, मैं इस पैनल को बंद करता हूँ, तो देखो डाउन द लाइन आप देखोगे ना कि इस तरीके से पूरे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी तो मैं इतने अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहूँगा आपको, बट हाँ ये देखो आप इस तरीके के डस्ट पार्टिकल इस पैनल पे आ जाते हैं और पूरा ऐसे हाथ बन जाते हैं। तो आप देखो सामने वाली फ्रेम पे भी आपको दिख रहे होंगे इस टाइप के हाथ और ये सब कुछ। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे ये पैनल डल होते जाता है टाइमिंग, और अब जो टीचर इतना सब कुछ उस पर लिखता है तो उसके बाद तो ये सब होना स्वाभाविक है। हमारे इस स्टूडियो में हमने कई डिजिटल बोर्ड को ऐसे रिप्लेस होते हुए, ख़राब होते हुए देखा है कि यार ये इतना पुराना दिख रहा है, इसको किसी को दे भी नहीं सकते, तो कई बार तो हम इसको सेकेंड हैंड समझ के बेच देते बहुत कम करके। तो आपको इस बात का समझना है, क्योंकि आपके लिए वो डिजिटल बोर्ड एक असेट्स है और उसकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार हमने ऐसा देखा है कि पीछे की साइड पर अगर आप क्लीनिंग नहीं करो और धूल इतनी जम जाती है, वो अंदर मदरबोर्ड और उसमें भी लगने लगती है। तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपको अगर हमसे कुछ ऐसा स्टूडियो बनाना है जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग सेटअप हो और डिजिटल बोर्ड हो, 86 इंच का, 75 इंच का, 65 इंच का, हर एक कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना हो, या आपको लेना हो 4K PTZ कैमरा जिसका आउटपुट आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं सामने खड़ा हूँ तो अक्सर हमारा जो शूट हो रहा है, एक शूट सामने से भी हो रहा है तो ये आउटपुट निकल के आता है। तो बस ध्यान रखिएगा, आपको अपने डिजिटल बोर्ड की इंटरनल और एक्सटर्नल क्लीनिंग दोनों पे ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बीच बीच में आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। अगर आप भी और कोई स्टूडियो बनाना चाहते हो और कोई डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हो, कोई कैमरा लेना चाहते हो, तो हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।